कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने भारत सहित पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया है। भारत में कहर इसीलिए बरसा क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा हुकूमत को जिंदगियों के बजाय चुनावों की और नमस्ते ट्रंप की चिंता थी। बावजूद इसके राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पहली और दूसरी लहर में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन किया, जिसकी वाहवाही पूरे देश में हुई थी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा संस्थानों पर सुविधाओं को विकसित किया है और अब संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर भी राजस्थान कांग्रेस सरकार ने पहले से ही सतर्कता बरतते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए पहली बार राज्य के हर अस्पताल की प्रोफाइल बनाई जा रही है, ताकि तीसरी लहर के दौरान कहीं पर भी मिसमैनेजमेंट ना हो पाए। खास बात यह है कि इस प्रोफाइल में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को छोटी से छोटी जानकारियां साझा करनी होगी। एक ओर जहां मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी स्तर पर बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और स्टाफ की जानकारी तो देनी ही होगी, वहीं सफाई ठेकेदार, इलेक्ट्रिशियन, फायर इंचार्ज और यहां तक कि प्लम्बर की जानकारियां भी प्रोफाइल में डाली जाएंगी। हर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी प्रोफाइल में कुल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड की जानकारी के साथ ही पीकू, निकू और एसएनसीयू बेड की भी पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही LMO, PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड, ऑक्सीजन फिलिंग सुविधा, ऑक्सीजन टैंकर फैसिलिटी, यूनिट के मोबाइल नंबर, सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की जानकारी, बेस एम्बुलेंस, 104, 108 एम्बुलेंस, क्रिटिकल एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, रेडियंट वार्मर की सूचना शामिल करनी होगी। प्रोफाइल में सभी अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ के मोबाइल नंबर की जानकारी भी देनी होगी। इस जानकारी के बाद प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कोरोना की संभावित तीसरी लहर में भटकना नहीं पड़ेगा। वो अपने मोबाइल के जरिए आवश्यक जानकारी हासिल करके खुद भी और अपने प्रियजनों को भी किसी अनहोनी से बचा पाएगा। महामारी से इतर प्रदेश कांग्रेस सरकार का ये कदम स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा, क्योंकि राजस्थान सतर्क है और कांग्रेस सरकार सजग है।